अखंड नगर ब्लॉक के जमालपुर सड़क का मामला, जहां ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया कि वोट नहीं दिया जाएगा, सड़क बनती नहीं है, तो गांव में ग्रामीणों में काफी आक्रोश रहा। यहां सबकी एक ही मांग है कि रोड बननी चाहिए। वहीं सालों से रोड का काम अटका हुआ है, इससे ग्रामीणों में काफी गुस्सा है। वह कहते हैं कि शिकायत सबसे की गई, कोई इसको सुनने के लिए राजी नहीं है। कोई नेता, कोई विधायक, कोई आता है तो क्या झुंझुना थमाकर चला जाता है। कहता है कि छोड़ दीजिए, आपकी सड़क 2 महीने में बन जाएगी, लेकिन रोड बनाने के लिए कोई तैयारी नहीं है। बताया जा रहा है कि इसी के चलते ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। यहां 4 जिलों को संपर्क मार्ग जुड़ा हुआ है, सुल्तानपुर, आजमगढ़, जौनपुर, फैजाबाद, अम्बेडकर नगर। लोगों को आने जाने के लिए काफी परेशानी होती है। वहीं मौके पर मौजूद ग्राम प्रधान राम उदय चौहान, ग्राम सभा जगदीशपुर, जमालपुर, ब्रह्मीनपुर, नसरतपुर, खांगड़ा, झरिया, मनवाल, अरसिया बाजार संपर्क मार्ग, इससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये क्या बात है, आप लोग किस तरह रैली निकाले हुए? भैया ये 12 ग्राम का मेन मुख्य मार्ग है, रात दिन इस पर आवागमन भारी वाहनों का और मध्यम वर्ग वाहनों का, दो पहियों का आवागमन हमेशा रहता है। रोड की ऐसी हालत में आए दिन यहाँ दुर्घटनाएं हो रही है, आदमियों की मृत्यु हो रही है, लेकिन सरकार जो है, कोई भी सरकार इस रोड के लिए कोई ध्यान नहीं दिया। अब की बार अगले महीने इलेक्शन जो होने वाला है, उसमें पूरे 12 गांव के लोग, 3 विधानसभा के लोग ने डिसाइड किया है कि अगली बार हम लोग मतदान से बहिष्कार करेंगे। क्या इसकी शिकायत आपने किसी से की, अपने प्रधान या उच्च अधिकारियों से? हमारे गांव के प्रतिनिधि भगेलू राम से, रामचंद्र चौधरी और राजेश गौतम से मिले, सबने झूठा आश्वासन दे करके कि टेंडर होने वाला है, रोड बन जाएगी, पैसा सेंक्शन हो गया है, लेकिन 4 साल इस सरकार का भी कार्यकाल करीब करीब खत्म हो गया है, अभी तक कोई काम नहीं हुआ। आपका कहना है कि अगर 15 साल से मेरी सड़क लगभग कितनी आबादी होगी, एक ग्राम संख्या है करीब करीब चारों पांचों 12,000 की जनसंख्या है यहाँ पर, यानी कि 12,000 की जनसंख्या होते हुए आप लोग वोटिंग नहीं करेंगे इस बार अगर रोड आपका नहीं बनेगा? काशीनाथ विधायक और काशीनाथ विधायक सांसद डीबी राय के प्रयास से यह सड़क बीच रोड में बदल रही है। उसके बाद यहाँ बसपा के सांसद जयभद्र सिंह, उसके बाद फिर कांग्रेस सांसद डॉक्टर संजय सिंह, विधायक बसपा से भगेलू राम, विधायक सपा से रामचंद्र चौधरी, एमएलसी रामचंद्र, शैलेंद्र से है जी। कि आज 25 साल से जब उनका हियात बा, तब से आया है हर हर भगवान कसम इस काल का हियात बा, सही है सड़किया बनाई पते, सड़किया बनाई पते, हां नात हित छुड़िया थन के आओ जात, मतलब लोग रिश्तेदारी नहीं आ रहे, सड़की घोड़ा आ नहीं पाए, कैसे आवे, बहुत परेशानी बा। विधायक उधायक जो आते हैं आपने उनसे शिकायत नहीं की? सबसे के है विधायक से जिला पंचायत, अरे का को आप कहीं जत्ता जाने हंसा, बीजेपी सरकार सड़क बनाने के नाम पर बहुत ज्यादा डिडोरा पीट रहे, हम सड़क बनवा रहे, सड़क गड्ढा मुक्त अभियान चल रहा था, इतने के बाद कोई आता नहीं, इसमें क्या हुआ? यहाँ क्यों नहीं बना? जीते के बाद के दिखाता है, हार ही हार चला जा रहा है, मतलब जीते। क्या समस्या है आपको? समस्या यही सर, 1.5 किलोमीटर रोड केवल बनवाना था। ये कितना दिन से ऐसे चल रहा है? इतना दिन से चल रहा सर, जब हमारे राजा रानी संजय गांधी यहाँ आए थे, हमारे रानी साहब आई थी, उनका इतना सम्मान किए यहाँ के लोग, और यही मीटिंग हुआ था, और इतना भारी हम लोग वोट किए, उनका सांसद बने, लेकिन हम लोगों के लिए कोई सुनवाई नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। हम लोग राजा रानी के ऊपर इतना डिपेंड थे कि जितने लोग बैठे हैं सर, किसी से आप बात कर लीजिए, कोई इसमें इनकार कर दिया तो विनोद कुमार चौबे बोल रहा हूँ सर, यही सानी जगदीशपुर के, मेरा बस एक ही मेरा यही कहना, 1.5 किलोमीटर रोड के लिए लोग इतना गलती कर रहे हैं, हमारे राजा रानी, तो हम लोग इतना परेशान हैं, और आज मोबाइल पर मैसेज भेज रहे हैं हमारे सांसद जी, हमको फिर से मौका मिला, सुल्तानपुर से लड़ने आ रहा हूं, इसलिए लोग नाराज हो कि इतना कुछ करने के लिए तैयार हैं सर, जान रहे ना, लेकिन इतना करना कि रोड अगर बन गया तो सांसद नहीं, आप इसके 1 महीना ये आचार संहिता लगने के पहले क्यों नहीं किया सर? यही तो मेरी मजबूरी है, अपडेट हो गया था, मुझे इतना कुछ पता नहीं था कि आप लोग आओगे, नहीं तो मैं आके आपसे मिल लेता, लेकिन मेरा पहचान कुछ कम है, इसलिए आ नहीं पाया सर, जान रहे ना, नहीं तो आप। मैंने राजेश गौतम से कम 20 मीटिंगों में कहा कि मेरी हमको ना इंडिया मार्केट टू हैंड पंप चाहिए, ना हमको सोलर लाइट चाहिए, हमको रोड चाहिए। फिर क्या हुआ आपको? तो कहा ठीक, मैंने उसको कर दिया है, हमको चकमा देते रहे, और चकमा देते देते 2 साल सरकार बने हुए के, केंद्र सरकार तो 5 साल में, 5 साल में इन्होंने एक नियुक्ति नहीं किया केंद्र में, और उन्हें जोगी साहब ने एक नियुक्ति किया कहीं, और किसानों को सिर्फ धोखा दिया जा रहा है, इनके अलग कहते हैं किसानों की आय दूना कर देंगे, अब इनकी आय दूना करने कौन कहे, किसान तो पिछान हो गया इस दौर में, 15
किसी सरकार में नहीं बिकी थी जाएगी 15। इन्होंने कहा कि 1750 में हम धान बिकवा रहे हैं, इनका एक भी कांटा नहीं चला, और 1200-1300 रुपए में किसान जो है मजबूर हो गया धान बेचने के लिए, इनका कोई नहीं चला। ये बताइए सरकार ने किसानों कहा किसानों की आय दूना कर देंगे, 100 रुपया में बिजली का घर का बिल देता था और 400 रुपया दे रहा, बताइए क्या सरकार ने किया? नहीं एक नियुक्ति किया किसी जवान की, नौजवानों की नहीं एक नियुक्ति हुई है कहीं ना केंद्र में ना राज्य में, सिर्फ किसानों को धोखा दिया जा रहा है बीजेपी गवर्नमेंट। इससे मैंने कहा 50 लाख रुपए लगेंगे, हमने कहा तुम्हारे घर 1 करोड़ खर्चा हो जाए और जमालपुर के लिए 50 लाख रुपए नहीं खर्चा किया जा सकता, मैंने 20 बार उससे कहा। अरे वो आज यही तो उनका शीशा सारा फोड़वा दे। अरे जब ले विधायक ना रहे तब ले 20 गाय ही भौरी लगा लगा खिलाए है, जब से विधायक हो गए चेहरा ना दिखा। भैया हम यही कहना चाहते हैं कि इस रोड का इतना मतलब जर्जर हाल है, आज से नहीं कम से कम 25 साल हो गए। वोट मतलब जब वोट लेना होता है तब तो लोग आते हैं बड़े बड़े वादे करके जाते हैं, उसके वोट लेने के बाद कोई दिखाई नहीं देता। आप देखिए यहाँ पे कितने लोग कितनी बार एक्सीडेंट हुआ, कितने लोगों का हाथ पैर टूट गया, और अगर 25 साल से यही हाल चल रहा है परमानंद की रिपोर्ट, सुल्तानपुर।